द न्यू ब्लॉग, स्वागत करता हूँ आपका नए ब्लॉग में। तो आज हम अपने फ़ोन में अपग्रेडेशन लाए हैं, आज हम आईफोन से शूट करेंगे। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है कि हमने मोटर दे आया था त्रेला में, तो आज जैसा बनता है सीन तो हम मोटर लेके आएंगे। अगर नहीं बना तो पता ही चल जाएगा आपको कि आज हम मोटर सेट कर पाते हैं कुएं पे या नहीं। अगर सेट किए तो ठीक है, आपको दिखाएंगे पूरा ब्लॉग के। और ये वाला जो आपको पेड़ दिख रहा है ना, ये इतना मतलब शानदार पेड़ है, इसमें जितनी बार भी आओ अगर रात में कभी आप देख लोगे ना, एकदम खुफिया लगता है। खुफिया मतलब खूंखार लगता है। आज हम इस वाले अपने बगिया पे नहीं जाएंगे, आज हम आगे वाले बगिया पे जाएंगे। हमारे चाचा जी हैं, नए कैमरामैन हैं। ये हमारे गांव का पहाड़ है, इसका मैं सिनेमेटिक व्यू देने की कोशिश करता हूँ। इतना शानदार लगता है ना, मैं जितने ब्लॉग देखता हूँ मुझे लगता है कि मैं बार बार इस पहाड़ को आप लोगों को दिखाऊँ। गाइज हमें मिल चुके हैं आज फिर से, ये किसी के मित्र हैं, इनका एक मित्र वहाँ पे है और एक उनका दुश्मन वहाँ पे है। तो हमें ये काफ़ी प्रभावित कर रहा है अपनी बोल भाषा से, इनकी भावनाओं को हम समझ नहीं पा रहे। हेलो गाइज, आई हेल्प यू गाइज, कहता है कि हट चल निकल, आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाहता हूँ। खेत तो अभी तक पहुँचे नहीं, काफ़ी दूर ये वाला खेत है, ये वाला मतलब इधर साइड बहुत सारा खेत है तो ये काफ़ी दूर है, तो जाने में बहुत समस्याएँ आ रही हैं हमें। जल्दी से पहुँचते हैं और धूप भी काफ़ी तेज़ हो। हम लोग अभी अपने खेत पे आ चुके हैं, खेत पे अभी यहाँ पे एक घोंपा है, ये वाला भी यहाँ लोग कभी कभी रहते थे, अब तो नहीं रहते। और यहाँ पे ये हमारा छोटा सा कुआँ है, इसमें बोर भी है, दिखने में काफ़ी छोटा है तो पानी है, लेकिन पानी इस साल हर एक कुएँ में पानी, काफ़ी बारिश हुई हमारे घर साइड तो हर जगह मिल रहा है पानी हमें हर कुएँ पर। ये हमारे खेत पर जुताई हो गई है और जुताई होने के साथ हमें लगता है यहाँ पर चना बोया जाएगा या कुछ और बोया जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो गई, देखते हैं क्या बनता है। और यहाँ से जो हमारे पहाड़ का व्यू आ रहा है ना भैया, क्या ही बताएं, एकदम पास में ही आ गए पहाड़ के। हम आपको यहाँ पे ये जो पेड़ दिख रहे हैं, ये आमले की उस साइड, यहाँ पे जो जामुन का है, तो यहाँ पे जब जामुन फटती है ना तो यहाँ के जो मालिक हैं वो हम लोग उससे बहुत अच्छा रिलेशन था उनके साथ, तो वो हमें न्योता दिया करते थे। अब तो पता नहीं क्या है क्योंकि हम आते ही नहीं यहाँ कभी, तो ये पूरे गांव को न्योता दे देते थे। इनके पास बहुत सारे पेड़ थे, यहाँ तक ये जो खेत दिख रहे हैं ना, ये पूरे खेत में इनके जामुन के पेड़ लगे हुए थे, तो ये हमें बुलाते थे, पूरा भंडारा टाइप कर देते, सब कोई जामुन खाओ। गाँव में तो यही है, अपनापन सबके साथ रहता है, काफ़ी मज़ा आता है जब लोग ऐसे इन्वाइट करते हैं। तो हमने वहाँ से अपना खेत वेत सब देख लिया, खेत के बाद अब हम यहाँ पे जाएंगे। ये हमारे मतलब हमारा बगीचा है जो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ, हमने नहाया था। हम आ चुके हैं अपने बगीचे पे, बगीचा एकदम अभी ऐसे ही दिख रहा होगा, अभी रूंधा ऊँधा नहीं, आसपास कोई भी आके कुछ भी जो मन करता है तोड़ता है, कुछ भी करता है, पेड़ ही काट लेंगे, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं गाँव में। इसको सुरक्षित करवाना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ उपाय जरूर करेंगे। अभी यहाँ पे बोया नहीं गया, हर जगह हमारे गांव में लगभग चीज़ें लेट चलती हैं, पता नहीं क्यों लेट चलती हैं। ये रहे हमारे आम के पेड़, सबसे बढ़िया आम ये देता है पेड़, इतने बड़े बड़े रहते हैं इसके। और ये वाला जो है ये चुसनी बोलते हैं इसको, एकदम छोटा छोटा इतने आम रहता है, तो ये पानी की तरह ऐसे फ्रूटी जैसे होती है ना, वैसे इसका सीन रहता है, फ्रूटी की तरह पीते रहो। मैं कुछ पेड़ों का आपका दृश्य दिखाता हूँ सिनेमेटिक व्यू, मज़ा आ जाएगा आपको देख। ये हमारे यहाँ की बैर है, हमारे यहाँ नहीं मतलब हम लोग के इलाके में ऐसे बैर हमेशा होती है, अभी कच्ची है पकेगी। ये कुछ खाने लायक है, दिखाता हूँ मैं आपको, एक ये देखिए आप लोग, अभी पीली हो गई ना, कुछ दिन बाद ये लाल होगी तब काफ़ी अच्छा लगेगा खाने में, काफ़ी टेस्टी बैर है। कच्चे में भी मतलब थोड़ा कड़वापन रहता है पर हम सह लेंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। इस बगिया पे हम आ चुके हैं, हमारे बीही वाले में, पिछले बार जब मैं आया था तो हमें बीही नहीं मिली थी, आज भी हमें पूरी उम्मीद है कि नहीं मिलेगी क्योंकि एट बीही नहीं है, सब बच्चे लोग आते हैं तोड़ के हैं, लगता है कोई जूठा किया, पर ये जूठी बीही नहीं है, सुबह गदरी बीही है, सुबह गदरी मतलब जो तोता खा लेता है। और यहाँ पे हमारा मौसम्मी का पेड़ भी है, काफ़ी मज़ा आता है, इस साल अभी नहीं आया, नहीं फरा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे आया हूँ। देखिए मेरे को एक नंबर का यहाँ पे बीह दे दिया है सुहा ने, बहुत अच्छे हो तुम मेरे मित्र, ये मेरा भाई है। आज फिर हम नींबू तोड़ेंगे और आज फिर हम एक शानदार आज लेमन टी बनाएंगे नींबू तोड़ के, तो नींबू लेमन टी बनाने के लिए हमें नींबू तोड़ना पड़ेगा। अब नींबू तोड़ने के लिए हमें पहले ढूंढना होगा कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आता है तोड़ के चला जाता है, तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक पीले कलर का हमें मिल चुका है पका हुआ, काफ़ी शानदार है, और हम एक हरा कलर का ज़रूर तोड़ेंगे।
बहुत सुंदर है यहाँ का दृश्य, और यहाँ जब हवा चलती है एकदम शीतलता महसूस होती है, काफी मजा आता है। हम लोग खेत से घूम के आ चुके हैं, अब हम जाएंगे अतरेला, हमें बहुत सारा काम है वहाँ पे आज, तो अतरेला जाने से पहले हमारी गाड़ी बैक होगी क्योंकि यहाँ पे काम लगा हुआ है तो बहुत दिक्कत है। सबसे पहले देखते हैं आज अगर वहाँ समोसा मिल गया तो हम वहाँ समोसा भी खाएंगे। भैया हम निकल चुके हैं अतरेला के लिए, तो अब हम चलेंगे चुपचाप से अतरेला, वहाँ पे समोसे का सेवन करेंगे, अगर इन लोगों की कृपा रही तो हमें जरूर खिलाएंगे। ये हमारा मोटर बन के तैयार है, बस सूख रहा है, इसकी वार्निशिंग हो चुकी है, जला तो शायद नहीं था, अब ये फिर हम फिट करेंगे वहाँ पे अपने। वहाँ गए हैं अभी अतरेला अपने बाजार, वहाँ पे हम इसलिए आए हैं कि हमें बनाना है घर के लिए दरवाजा, दरवाजा बनवाने के लिए हम जा रहे हैं दरवाजे की दुकान, बहुत सारा काम यहाँ पे लगा हुआ है, क्या हिसाब होता है देखते हैं। वहाँ से गेट एड का ऑर्डर दे दिया है, अब हम जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, समोसे की दुकान मिल गई है, हमें देखते हैं कहाँ है वहाँ पे प्याज लेना है सही तरीके से, वाली अंदर सही आ रहा है भाई। हम जा रहे हैं समोसा खाने के लिए अपने गांव की प्रसिद्ध समोसा, ये हम समोसे की दुकान पे आ चुके हैं, अब समोसा खाएंगे। हैंड वॉश है भैया, गांव में सब सुविधा है, उसे करने की जरूरत नहीं है, हाथ तो साफ ही, निर्माण से धुलोगे सर। भैया आ तो गए दुकान पे, ऑर्डर भी कर दिया है, अब आएगा बढ़िया ऑर्डर, मज़ा आ जाएगा, गाँव का समोसे की बात ही अलग है, मज़ा आ जाता है। भैया हमारा समोसा आ चुका है, एक नंबर का, बढ़िया स्वाद है, चटनी भी बढ़िया है। तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। स्वाद कैसा था, कैसा लगा आपको? नॉर्मल था, कुछ मजे नहीं आए, चटनी को उम्मीदें थी वो भी खत कुछ नहीं रहा। बहुत अच्छा समोसा था सर, मुकाबले में तो ठीक था पर यहाँ के मुकाबले में कुछ भी नहीं है सर, टेस्ट बड्स सबके खराब हो चुके हैं, बहुत बड़े समोसा था सर। टेस्ट बड्स के नाम पे यहाँ के लाल लाल टपक नीचे पर वो भी नहीं आया, मुझे नहीं आया दूसरे समोसा। सर मजाक बना रहे हैं, बहुत अच्छा समोसा था, एक नंबर का, हाईली रिकमेंडेड। बंदर आ चुके हैं, ये सारा पेड़ नुकसान कर दिया है, मैं तो सो रहा था आराम से, मुझे बुलाया गया है कि बंदरों को भगाना है, तो मैं इनसे तंग आ चुका, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कितने मतलब तंग कर लिए हम लोगों को बंदर। वो देखिए ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये रहे बंदर जी, ये रहे बंदर जी, ये लोग इतने मतलब क्या ही बोलें, एक बंदर यहाँ है, ये बंदर यहाँ पे है, एक वहाँ बैठा, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये आके चना ऐसे ही खा लेते हैं, ये जंप किया, ये जंप किया, ये जंप किया, ये आके चना ऐसे ही खा लेते हैं, कोई लेना देना ही नहीं इनको, चना तोड़ते थोड़ी उखाड़ के पेड़ फेंक देते हैं।